नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म शहजादा की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है और इसके बारे में एक और लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, शहजादा फिल्म है वो साउथ की फिल्म का एक रीमेक है और उसमें जो मुख्य भूमिका थी उस फिल्म का नाम शायद था, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, अल्लाह वेंकुटपुरम ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसमें उस फिल्म के अंदर मुख्य भूमिका अल्लू अर्जुन ने निभाई थी और वो फिल्म काफी बड़ी हिट हुई थी। तो उसी का एक हिंदी रीमेक है शहजादा और इसमें मुख्य जो भूमिका है वो कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं। तो इसका एक टीजर जारी किया गया था, टीजर आपने देखा था, देखा होगा मेरे हिसाब से। और उसमें कार्तिक आर्यन है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टपोरी टाइप के लुक में नजर आने की। और खैर, अल्लू अर्जुन का जो अंदाज है, जो उनका जो स्टाइल है, उसको तो वो मैच नहीं कर सके, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के उनके एक्टिंग की प्रशंसा हो रही है, तारीफें हो रही है। तो अब इस फिल्म की एक बात तो ये है कि दोस्तों, इसकी रिलीज डेट है वो वैलेंटाइन डे, मतलब कि आप 14 फरवरी नहीं है, 10 फरवरी को इसको रिलीज किया जा रहा है, 10 फरवरी 2023 को फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बारे में एक खबर ये हो रही है कि जो अवतार 2 है, अवतार 2 के साथ इसका टीजर अटैच किया जाएगा, एक छोटा सा एक ट्रेलर या टीजर इसका दिखाया जाएगा ताकि फिल्म की जो पब्लिसिटी है वो अभी से शुरू हो सके, ऐसी खबरें भी सामने निकल करके आ रही है। तो शहजादा से कार्तिक आर्यन को काफी उम्मीदें हैं, थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज की जाने वाली है। उनकी पिछली फिल्म फ्रेडी ओटीटी पर रिलीज की गई थी और ओटीटी पर उसको अच्छे व्यूज मिले हैं, काफी प्रशंसा मिली है कार्तिक आर्यन के अभिनय को। और कार्तिक आर्यन की जो अगली फिल्म है शहजादा, उसका उनके प्रशंसक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, टीजर पसंद आया है। तो 10 फरवरी को इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और खबर ये आई है कि अवतार 2 के साथ इस फिल्म का एक टीजर या ट्रेलर है वो अटैच किया जाएगा जिसको दर्शक थिएटर्स में देखने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिल्म शहजादा से आपको कितनी उम्मीद है आप कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।